जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबको पता ही है कि कल रक्षाबंधन का त्यौहार है और जिसको लेकर तमाम बाजारों का अगर आपको अपडेट करें तो काफ़ी ज़्यादा रश, भीड़ भाड़ देखी जा रही है, क्योंकि महिलाएं बहनें राखी खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रही है। लेकिन जो कैप्शन हमने डाली है, वो उस कैप्शन को भी आपने पढ़ लिया होगा कि जब आप शॉपिंग करने के लिए घरों से निकलते हैं तो आप लोग चौकन्ने रहें, सावधान रहे। ये कैप्शन इसलिए डाली गई है क्योंकि आपने लगातार पिछले कई दिनों से ये देखा होगा कि तमाम अलग अलग इलाकों में चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, और ख़ास तौर पर अगर चेन स्नैचर्स की बात करें तो वो लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। महिलाएं शिकार होती हैं और महिलाएं जो काफ़ी ज्वेलरी वगैरह पहनकर घरों से बाहर निकलती हैं तो चेन स्नैचर्स की उनके ऊपर नज़र रहती है, यानी इन चोरों की नज़र रही है, और जब उनको मौका मिलता है तो वो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। उसी को लेकर ये हमने एक अवेयरनेस मैसेज जो वो देने का प्रयास किया है, और ये मैसेज जिला पुलिस सांबा की तरफ से भी है और उसी के साथ साथ तमाम जो व्यापार मंडल के सदस्य हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से भी कि जब आप शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो आप लोग सावधान रहें, चौकन्ने रहें, क्योंकि कुछ महिलाओं की अगर बात करें तो उनके साथ बच्चे होते हैं, उनको उस समय समझ नहीं लग पाता जब चेन स्नैचर या ये जो चोर हैं चेन खींच कर चले जाते हैं या इयररिंग्स खींच कर चले जाते हैं। और उसी के साथ साथ वो महिलाएं, वो लड़कियां जो स्कूटी चलाती हैं बाज़ारों में शॉपिंग करने के लिए जब आती हैं तो वो पर्स बैग वगैरह जो उन्होंने टांगा होता है वो भी कई बार ये जो चोर हैं वो छीन कर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो इसी को लेकर हमने ये एक संदेश देने का प्रयास किया कि आप देख सकते हैं कि इस समय बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो देखा जा रहा है, और उसी के चलते हम आपको ये एक अवेयरनेस संदेश दे रहे हैं कि आप लोग शॉपिंग करते वक्त चौकन्ने रहें, क्योंकि राखी का त्यौहार है कल और उसी के साथ साथ कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्यौहार है, तो त्यौहारों का सीज़न है, लेकिन आप लोग जब शॉपिंग करते हैं तो आप लोग अलर्ट रहें। ये संदेश महिलाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है कि जब आप शॉपिंग करने आते हैं तो आप लोग पूरी तरह से अलर्ट रहें और आसपास नज़र ज़रूर रखें, कोई इस तरह के कोई शरारती तत्व तो नहीं है जो आपके ऊपर नज़र रखे हैं, आपके सामान के ऊपर नज़र रखे हुए हैं जो आप ख़रीदारी करके आते हैं, या आपकी ज्वेलरी जिस तरह से चेन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, गोल्ड चेन या इयररिंग्स, इस तरह की चीज़ों पर उनकी नज़र रहती है। और आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि लगातार कई सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज कई अलग अलग इलाकों के सामने आती हैं, यहाँ से चेन स्नैचर जो वो चेन खींचकर इयररिंग खींचकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। पुलिस उनको ढूंढने का प्रयास भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना एक हमारा भी फर्ज बनता है। तो यहाँ व्यापार मंडल सांबा के प्रधान हैं तजिंदर जी, मैं उनसे जानता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? जब भी त्यौहारों का सीज़न आता है तो इस तरह के कई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं चेन स्नैचिंग के, चोरों की नज़र रहती है कि महिलाओं को कुछ समझ नहीं लगता और वो महिलाओं को शिकार बनाते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कितना चौकन्ना रहने की ज़रूरत है इन त्यौहारों के सीज़न में, क्योंकि चोरियों की वारदातें जम्मू के अलग अलग कई ऐसे इलाके यहाँ पर अब काफ़ी बढ़ चुकी हैं और आए दिन चोरी की वारदातें पेश आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जिस समय त्यौहारों का सीज़न होता है तो मार्केट में मैक्सिमम रश होता है, और त्यौहारों के सीज़न में लेडीज़ शॉपिंग जो है सबसे ज़्यादा करती हैं, और मेरा आपके माध्यम से उनके लिए ये संदेश है कि जैसे बच्चियां हैं या लेडीज़ हैं स्कूटी चलाते हैं, बैग उन्होंने अपना साइड पे रखा होता है, तो उसमें क्या है कि आजकल ये मार्केट में देखने को आ रहा है कि जो चोर हैं वो बैग छीन के ले जाएंगे, इवन बैग छीनेंगे आपका, और लेकिन हो सकता है उसमें आपकी स्कूटी भी गिर जाए या आपका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। और साथ में जो ये बात तो नेचुरली है कि जो लेडीज़ हैं अपना जेवर वगैरह या चेन वगैरह पहनने का शौक या कानों में जो झुमके वगैरह होते हैं वो पहनने का शौक तो नेचुरली होता है, तो इसमें जो है त्यौहारों में रश का जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, चोर लोग जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, जहाँ रश होगा, जिस दुकान पर रश होगा तो वो वहाँ चले जाएंगे। तो उसमें ये है कि हर लेडीज़ को, हर जो मार्केट में आया है उसको अपना ध्यान खुद रखना है और अपने सामान का रखना है, जैसे उनकी चेन खींची है उसमें उनको नुकसान भी हो सकता है, उसमें लग भी सकती है, तो मेरा आपके माध्यम से यही है कि मार्केट में जो भी लोग आएँ अपना ध्यान खुद रखें और जो है रश भी ज़्यादा नहीं रहें। और हमारा सांबा जो है कल ऐसे तो लॉकडाउन रहता था, बंद था, कल हमारा मार्केट राखी के त्यौहार पर खुला है, और सब लोगों से यह है कि आराम से अपना सामान खरीदें और अपने जो जेवर पहने या अपने बैग्स वगैरह हैं उनका खास तौर से ध्यान रखें। लेकिन
अतेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, इससे पहले भी सांबा में भी कई इस तरह की वारदातें हो चुकी हैं, महिलाएं लड़कियां इस चीज का, इस चोरी का शिकार हो चुकी हैं, स्कूटी पर एक बारी यहाँ पर पिछले दिनों में देखा गया था, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक एग्जांपल है कि ये एग्जांपल अगर आप पब्लिक डोमेन में रखते हैं तो लोग जो है अवेयर हो जाते हैं। देखिए इसमें ऐसा है, पिछले साल क्या हुआ था कि वो लेडीज थी, लड़कियां थी दो, तो मार्केट में आई, एक दुकान से उन्होंने कुछ उठाया, बैग वगैरह या पर्स वगैरह छीन के ले गई। जब दूसरी दुकान पे वो गए तो हमारे दुकानदार ने कई बार ध्यान नहीं भी रहता है, तो उनका ध्यान उसके ऊपर गया कि इसने इस आइटम का पैसे नहीं दिए हैं, तो वो सामान उसने उठा लिया, फिर उनको पकड़ा, इवन की पुलिस भी आई, फिर उसके बाद उसकी क्या कार्रवाई हुई जो भी है, लेकिन हमारे दुकानदारों ने उसको पकड़ के पुलिस के हवाले जरूर किया था। अब दुकानदारों का क्या कस्टमर्स को संदेश रहेगा और कस्टमर्स को किस तरह से डील करना है? त्योहारों पर रश काफी ज्यादा होता है और जिस तरह से आपने कहा कि महिलाएं ही चोर निकली थी, तो इस तरह का क्या संदेश जो वो देने की जरूरत है ताकि बाकी महिलाएं सुरक्षित रहें, सेफ रहें और शॉपिंग कर वो सेफली अपने घर पहुँच जाए? देखिए एक तो जब घर से निकले तो अपना पूरा ध्यान रखें, चेन वगैरह जो डाली है या जो कोई कानों में झुमके वगैरह डाले हैं, तो जम्मू में भी ऐसी दो तीन वारदातें हुई कि जो वो ऐसे लेडीज आएगी या कोई लड़का आएगा छीन के ले जाएगा, तो उसके लिए जो है जिस दुकान में रश है तो दुकानदार को भी ये देखना चाहिए कि कैसे इनको हैंडल करें या तरीके से उसको करें और अपने सामान का लेडीज़ खासकर खुद ध्यान रखें। चलिए तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो प्रधान सांबा के व्यापार मंडल के तजिंदर जी उन्होंने दी है और यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि त्योहारों का सीजन है, जिस तरह से लगातार कल रक्षाबंधन का त्यौहार है आप देख भी सकते हैं, मैं एक बार सिनेरियो आपको मार्केट का दिखाना चाहता हूँ और उसके बाद ये मेरा संदेश भी रहेगा कि महिलाएँ ज़्यादा तौर पर ये चेन स्नैचिंग का शिकार होती हैं, गोल्ड वगैरह ज्वेलरी जो उन्होंने पहनी होती है, इयर रिंग्स पहने होते हैं, चेन पहनी होती है और ये जो चेन स्नैचर हैं ये मौका पाके ही ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं और इससे चोरी तो सामान हो ही जाता है, कीमती चीज़ जो है वो चोरी हो जाती है, लेकिन इससे एक रिस्क ये होता है कि इंजरीज भी हो सकती हैं, यानी किसी के अगर कानों से इयर रिंग खींच कर चोर चला गया तो इंजरी भी हो सकती है, गला कट सकता है, जिस तरह से चेन कई बार खींच कर ये चोर रफो चक्कर हो जाते हैं। और दो पाँच सात दिन पहले का मैं अपडेट करूं कि गंगवाल का जो जतवाल इलाका है वहां पर भी एक चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर आपने लगातार देखा कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज में कैद होता है कि चेन स्नैचर किस तरह से चेन या इयर रिंग खींच कर जो वो वहां से गायब हो जाते हैं और इसी तरह का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चोर महिलाएँ भी हो सकती हैं जो इस समय नज़र कई अलग अलग एरियाज में वो बनाकर रख रही हैं कि कहाँ पर उनको मौका मिलता है तो वो इस तरह के वारदातों को अंजाम देंगे। पुरुष आपने लगातार देखा जो चेन स्नैचर हैं, तो इस तरह की घटनाओं से बचने की ज़रूरत है, इस तरह के इंसिडेंट ना हो ताकि आपका सामान भी अगर चोरी हो जाए और ऊपर से आप इंजर्ड हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है, इसलिए आपको पूरी तरह से अवेयर रहना है। जब आप घर से निकलते हैं शॉपिंग करने के लिए तो कोशिश करिए कि गोल्ड ज्वेलरी का आप कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि चोरों की अगर आपके ऊपर नज़र होगी तो शायद वो आपका पीछा करते करते कहां तक पहुंच जाएंगे और कहां वो मौका पाकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए त्योहारों के सीज़न में लगातार रश जो वो बाज़ारों में इस समय काफ़ी ज़्यादा पड़ना शुरू हो चुका है और तमाम लोगों से ये अपील रहेगी कि आप लोग, महिलाओं से खासतौर पर अपील रहेगी कि आप लोग पूरी तरह से अलर्ट रहें, चौकन्ने रहें और दुकानदारों से भी अपील रहेगी कि कोई कस्टमर जब आप दुकानों पर आते हैं तो उनके साथ अच्छे से डील करें और ध्यान रखें कि कोई ऐसा कस्टमर तो बीच में नहीं है जो चोर हो सकता है, इसलिए इन चोरों के ऊपर पूरी नज़र रखने की ज़रूरत है। आप लोग शॉपिंग करते वक्त सावधानी बरतें, अलर्ट रहें, चौकन्ने रहें और महिलाएं जो बच्चों को लेकर बाज़ारों का रुख कर रही हैं तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, अपील रहेगी कि आप लोग पूरी तरह से सतर्क रहें, सावधान रहें और बच्चों को भी संभालें और अपने आप को भी संभालें ताकि इस तरह की जो वारदातें हैं वो ना हो। तो आप इस समय सांबा ज़िला की मैं बात कर रहा हूँ तो सांबा ज़िला के साथ साथ कई अलग अलग और भी इलाके हैं, वहाँ के भी लोगों को ये जागरूकता संदेश हमारा रहेगा और ये ज़िला पुलिस सांबा की तरफ से एक मैसेज हमें पहुंचाया गया और हमने ये मैसेज पब्लिक डोमेन में पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इसलिए आप लोग शॉपिंग करते वक्त चौकन्ने रहें, सावधान रहें और कोई ऐसे संदिग्ध लोग जो आपको देख रहे हो, आपके ऊपर नज़र रखे हो, आपके सामान के ऊपर नज़र रखे हो, आपके गोल्ड ज्वेलरी आइटम जो हैं उसके ऊपर नज़र रखे हो, तो उनसे ज़रा सावधान रहें और अलर्ट रहें और अगर इस तरह की कोई ऐसी वारदात होती है तो फौरन पुलिस के साथ संपर्क करें ताकि उनकी जल्द धरपकड़ की जाए, क्योंकि चोर जो है वो रश का काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, भीड़भाड़ वाली जगहों पर वो इस तरह के आपको संदिग्ध लोग काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, चोर दिखेंगे, तो इसलिए आप लोग सावधान रहें ताकि आप लोग इस तरह की वारदातों का शिकार ना हो जाएं, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है।
और आप लोग आएँ बाज़ारों में शॉपिंग करें, लेकिन थोड़ा ध्यान से शॉपिंग करें क्योंकि चोरों की नज़र, चेन स्नैचर की नज़र आपके ऊपर हो सकती है। तो ये स्पेशली संदेश रहेगा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और जो स्कूटी वगैरह पर आते हैं लेडीज़, पर्स वगैरह टांगे होते हैं तो उनके लिए भी खतरा हो सकता है कि जब चोर वो पर्स खींचेगा तो आप गिर सकते हैं, स्कूटी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए तमाम ये सारी चीज़ों को आप लोग मद्देनज़र रखते हुए ध्यान से शॉपिंग करें और चोरों पर, जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर नज़र रखें। तो ये इसलिए हम आपको ये जागरूकता संदेश देना चाहते थे। और पर्स वगैरह जो बैग वगैरह है उसे संभाल कर रखें क्योंकि उसमें कैश भी हो सकता है, आपके आपके पास ज्वेलरी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सतर्क रहें, सावधान रहें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया कैमरामैन राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।